कई लोगों के लिए बिटकॉइन तेजी से अमीर बनने का नया तरीका बन गया है, ऐसा शॉर्टकट जो भविष्य में इनके साथ चाल चल सकता है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ कड़ी मेहनत और दृढ़ता का उत्पाद होता है। हालांकि बिटकॉइन एक नई क्रांति है, बिटकॉइन दुनिया की सबसे अच्छी बचत की तकनीक है। आप अपने कड़ी मेहनत के फल को बिटकॉइन के नेटवर्क के भीतर रख दें और यह हमेशा मुद्रास्फीति के कहर से बचा रहेगा। यह वर्तमान में बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्रस्ताव है और जैसे जैसे आम जनता द्वारा बिटकॉइन को अपनाया जाएगा, फिर आप इसे दैनिक जीवन में भुगतान के साधन के रूप में उपयोग कर पाएंगे। हालांकि हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं दोहराता हूं कि हम अभी भी बिटकॉइन की क्रांति की शुरुआत में ही हैं। और एक सवाल जो सभी लोगों के दिल में रहता है वो है कि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही क्यों उपलब्ध है। इस प्रश्न को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, तो क्यों संतोषी नाकामोतो ने बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित कर दी। दूसरा यह है कि उन्होंने 21 मिलियन BTC तक का आंकड़ा ही क्यों चुना। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देकर शुरू करूंगा, जो सबसे स्पष्ट प्रतीत होता है। संतोषी नाकामोतो समझते थे कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि केंद्रीय बैंकों को दी गई कुल स्वतंत्रता कि वो जितनी चाहे कानूनी मुद्रा को प्रिंट कर सकें। इसलिए उनका मानना यह था कि पारंपरिक मुद्रा के साथ मूल समस्या वह सब विश्वास है जो इसे पूरा करने में लगता है। केंद्रीय बैंक पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वह मुद्रा को खराब ना करे, लेकिन इनका इतिहास उस विश्वास के उल्लंघन से भरा हुआ है। बैंकों को हमारे पैसे रखने और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित रखने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन वह इसे क्रेडिट के रूप में उधार दे देते हैं, जिसमें रिजर्व में मुश्किल से कुछ अंश ही बचता है। वर्तमान समय में फिएट मुद्राओं की अंतहीन गिरावट की समस्या को दूर करने के लिए संतोषी ने BTC की आपूर्ति को सीमित कर दिया। इस सीमा को बिटकॉइन के कोड के भीतर परिभाषित किया गया है। नेटवर्क पर चलने वाले सभी नोड इस आवश्यक नियम की गारंटी देते हैं। यदि आप आज BTC खरीदते हैं तो आपको 10, 20 या 50 वर्षों में 21 मिलियन में से एक BTC के मालिक होने की गारंटी है, और सभी फिएट मुद्राओं के साथ यह होना असंभव है। दूसरा सवाल यह था कि नाकामोतो ने 21 मिलियन BTC की सीमा ही क्यों चुनी। दरअसल वह 20 मिलियन या 26 मिलियन को भी चुन सकते थे। उनका कुछ यह कहना था, मैं कुछ ऐसा चुनना चाहता था कि जो कीमतों को मौजूदा मुद्राओं के समान बना दे, लेकिन भविष्य को जाने बिना ये बहुत कठिन था, तो फिर मैंने बीच का रास्ता अपना लिया। यदि बिटकॉइन सीमित रहेगा तो भी इसकी कीमत मौजूदा मुद्राओं की तुलना में कम ही रहेगी। यदि आप कल्पना करें कि इसका उपयोग विश्व वाणिज्य के कुछ अंश कर पाएंगे तो ही इसका मूल्य अधिक होगा। एक और परिकल्पना आपूर्ति से संबंधित है कि जब नाकामोतो ने बिटकॉइन बनाया था तब वैश्विक मुद्रा की आपूर्ति सिर्फ $21 ट्रिलियन ही थी, जिसे M1 मनी सप्लाई के रूप में भी जाना जाता है। इस संख्या में दुनिया के सभी भौतिक धन का कुल मूल्य शामिल है, जिसमें नगद, सिक्के और यात्रियों के चेक शामिल हैं। हालांकि ये सब अफवाह ही बनकर रह गए। अनुमानों के संदर्भ में अन्य लोगों ने इस विकल्प के लिए गणितीय व्याख्या की कल्पना भी की है, और वो कुछ इस तरह का है। बिटकॉइन का जो कोर सॉफ्टवेयर है वो औसतन हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक माइन करने की कठिनाई को समायोजित करता है। इस औसत से प्रत्येक 4 वर्ष के चक्र के दौरान 2,10,000 ब्लॉकों का खनन किया जाना चाहिए। एक चक्र के अंत में लेन देन के ब्लॉक को सही ढंग से खनन करने वाले खनिकों को दिया गया इनाम आधा कर दिया जाता है। पहले चक्र में इनाम 50 BTC था, 2012 में इसे घटाकर 25 BTC कर दिया गया, फिर 2016 में 15.5 और मई 2020 में यह 6.25 BTC हो जाता है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक 4 साल के चक्र में ब्लॉक का कुल पुरस्कार 100 BTC के बराबर होता है। इस संख्या को प्रत्येक चक्र में खनन किए गए ब्लॉकों की संख्या से गुणा करके जो कि 2,10,000 है, फिर आपको BTC की अधिकतम संख्या मिल जाएगी जो कि है 21 मिलियन। सभी के लिए यह समझना आसान है कि बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित क्यों है। हालांकि यह जानना कठिन है कि उन्होंने 21 मिलियन BTC तक का ही आंकड़ा क्यों चुना।
मैं आपको इन तत्वों के आधार पर आपकी खुद की राय बनाने के लिए छोड़ दूंगा जो मैंने अभी आपके सामने बताई हैं। दरअसल सत्य को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति जो कि संतोषी नाकामोतो ही हैं, जिन्होंने 21 मिलियन आंकड़े का खुलासा कभी नहीं बताया है।